जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सुनील। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए थोड़ी देर में बैठक करेंगे। नए वेरिएंट के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री दूसरी बार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने 28 नवंबर को ऐसी बैठक की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार बैठक में कोरोना प्रबंधन से जुड़े सभी अधिकारी शामिल होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय इस दौरान ओमिक्रॉन के नए मरीजों, लक्षण और अत्यधिक संक्रामक होने के बारे में जानकारी देंगे। साथ में यह भी बताया जाएगा कि राज्यों के साथ मिलकर किस तरह से हालात से निपटने की योजना बनाई जा रही है। अगर राज्यों की स्थिति खराब रही तो लॉकडाउन भी लगाया जाएगा और स्कूल कॉलेजों को भी बंद किया जाएगा। अब प्रधानमंत्री समीक्षा बैठक में ये अपना फैसला ले सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है। देश में अब तक कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 250 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 65 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके बाद दिल्ली में 64 मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन आपको बता दें, इससे संक्रमित 104 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी बयान आ रहा कि जिन राज्यों के हालात बिगड़ेंगे उन राज्यों पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा और उन राज्यों के सभी स्कूल कॉलेजों को भी बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि स्कूलों से ओमिक्रॉन के संक्रमण का खतरा ज़्यादा बताया जा रहा, क्योंकि जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ये ज़्यादा संक्रामक बताया जा रहा है क्योंकि बहुत तेज़ी से फैलता है। इसलिए स्कूल कॉलेजों को सबसे पहले बंद करने की प्रायिकता दी जाएगी, क्योंकि स्कूलों से ज़्यादा संक्रमण फैलने का खतरा है। तो आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसले में क्या क्या कर सकते हैं, तो अपनी राय जरूर देना कमेंट में। धन्यवाद।